परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है ईश्वर पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मत करना अभिमान खुद पर ऐ इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे
जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है उसे आनंद से जियो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंस कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।